हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं अनिता बलवीर, अनिता बलवीर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बनाएंगे पोहे के कुरकुरे। पोहे के कुरकुरे बनाने के लिए मैंने ये पोहा लिया है, जाड़ा पोहा है, पतला भी पोहा ले सकते हैं हम। और हम पोहा नाप कर ही लेंगे। एक कटोरी हमें जितना कुरकुरा बनाना है उतना हम पोहा ले सकते हैं। ये दो कटोरी, ये तीन कटोरी पोहा है हमारा। थोड़ा कर लिया हम साइड में। चलो इतना डाल देते हैं। और मैंने पोहा को अच्छा पॉश कर लिया है और इस पोहा को हम धोएंगे, दो तीन पानी से धो लेंगे। पोहे की जो भी गंदगी होंगी वो पूरी निकल जाएंगी। मसल मसल के धोएंगे। और ये पोहा अगर बारीक भी हो गया तो कोई बात नहीं, हमें इसका एक आटे के जैसा ही डो तैयार करना पड़ता है। देखिए कितना गंदा पानी निकल रहा है। मसल मसल के धो लेंगे और निकाल लेंगे हम इस गंदे पानी को एक बर्तन में। और इसको भी मैं मसल के धो लूँगी। जब तक कि हमारा पानी अच्छा वॉश नहीं निकले पोहे का पानी, जब तक कि हम इसको धो देंगे। वैसे मैंने इसको अब ये चौथा पानी है, यानी चार पानी से धोया है। और इसका भी मैं पानी फेंक दूंगी। और हम थोड़ा सा पोहा में पानी रहने देंगे, जैसे पोहा डूबे इतना पानी रहने देंगे। देखिए है ना इतना, तो इसमें हमारा पोहा अच्छे से गल जाएगा। तो इसके उसको रखेंगे अब हम साइड में ढककर। देखिए मैंने इस पोहा के लिए दो आलू लिए हैं, इसको भी मैं कीस लूँगी। और पोहा में मैं आलू को ऐसी कीस लूँगी। और सभी पोहा में इसको ऐसे मसल मसल के मिला लूँगी। मिलाएंगे हम बेसिक मसाले, जैसे थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, सादा नमक, काला नमक और ये चुटकी भर मीठा सोडा। और सभी को हम मिला लेंगे। देखिए हमने पूरे बैटर में मसाले को मिला लिया है। वैसे भी हमने इस मशीन में तेल लगाया है और थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर हम इस बैटर को इस मशीन में डाल देंगे। और जिसके पास ये मशीन ना है वो हम इस पन्नी में भी दूध की पन्नी, नमक की पन्नी, इसका ऐसी पन्नी को भी हम ले सकते हैं।
और इसको यहाँ से थोड़ी सी काट लेंगे और ऐसा बैटर भर के पन्नी में हम रबड़ को लगा देंगे। और इसका थोड़ा सा हम कोना को काट लेंगे। वैसे भी हमें इसके टुकड़े ही करना पड़ता है। इसके पास मशीन नहीं रहे वो हम एक नमक की पन्नी या दूध की पन्नी में बैटर को भरकर भी हम बना सकते हैं छोटे छोटे। ऐसे हम सारे ही पोहे के कुरकुरे तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने आलू और पोहा से कुरकुरे बनाए थे। इन कुरकुरों को मैंने 2-3 दिन अच्छा कड़क धूप में सुखाया। अब हम इन्हें तलेंगे। हाँ, हमें तलने के लिए ऐसा ही तेल चाहिए। देखिए तेल में जाते ही हमारे कुरकुरे कितने अच्छे फूल रहे हैं। इन कुरकुरों को हम चाट मसाला डालकर या फिर नमक मिर्ची का छिड़काव कर भी खा सकते हैं या फिर हम ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे कुरकुरे बनकर रेडी हुए हैं अपने। देखिए ऐसी आपको आवाज़ आ रही होगी। देखिए आपको पोहा और आलू के कुरकुरे बनाने की रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।